हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम्पलर में भी है, आरडी शर्मा में भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपसे एरिया पूछा गया है शेडेड पोर्शन का। तो पूरा का पूरा जो शेडेड पोर्शन है वो है एग्जैक्टली ये, ठीक है। अब आप जूनियर लेवल से चीजों को सॉल्व करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको आइडिया है, अगर मुझे ये शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, है ना, शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, तो सर जो एरिया होगा ना बड़े ट्राइंगल का, जो कि यहाँ पे एबीसी है, अगर हम उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी को माइनस कर दें, है ना, इस बड़े ट्राइंगल में से एरिया में से अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं, तो ये शेडेड पोर्शन 110% आ जाएगा। यस, बिल्कुल क्लियर है सर ये तो बात। अब आपके पास फाइट क्या बची कि ट्राइंगल एबीसी और बीडीसी को सॉल्व किया जाए। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम राइट एंगल ट्राइंगल का मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो चैप्टर हिरॉन्स का है तो मैं हिरॉन्स को ही अप्लाई करूंगा और ट्राइंगल एबीसी का एरिया मैं सबसे पहले यहां निकालना प्रिफर करूंगा, ठीक है। तो ट्राइंगल एबीसी की जो साइड्स हैं वो मुझे गिवन है 120 मीटर, दूसरा मुझे पता है 122 मीटर, एंड द लास्ट वन इज 22 मीटर। ये सारी की सारी साइड्स अवेलेबल है। अब आपका जो सबसे पहला जॉब होता है इन क्वेश्चंस को निकालने में, वो आपको पता है सबसे पहले निकाला जाता है एस, जो कि सेमी पेरीमीटर होता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम इन सारी साइड्स को प्लस कर देते हैं, है ना, और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो इन सबको प्लस करके आएगा 2 2 4, 2 n 2 6, 1 1 1 2 डिवाइडेड बाय 2, और इसको फर्दर सॉल्व करके मिलेगा मुझे 132 मीटर, ठीक है। तो ये तो निकला मेरा सेमी पेरीमीटर बड़े वाले ट्राइंगल का। तो अगर मैं अब इसी का एरिया फाइंड करने जाऊं, इसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने जाऊं एबीसी का ही अगर, ठीक है, तो यहाँ पे लगता है अंडर रूट सबसे पहले आएगा 132 यहाँ पे, ठीक है सर, इनटू। अब आपको पता है इसी 132 का हम हर एक साइड से 1 बाय 1 सब्ट्रैक्शन करवाते हैं, तो 132 को अगर आपने 12 से डिवाइड करवाया, सॉरी 120 से माइनस करवाया तो आपको 12 मिलेगा, 122 से माइनस करवाया तो इनटू 10 मिलेगा, और 22 में से माइनस करवाया तो 110 यानी 110 मिलेगा, ठीक है। अब आती है बात फैक्टर्स की। सबसे पहले तो जो मुझे चीज दिख रहा है उसको आउट अगर मुझे करना है, तो भाई एक 10 मुझे ये दिख रहा है, और फ्यूचर में कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखो तो ये चीज भी 11 into 10 बन जाएगी, ठीक है। तो यहां से ये 10 अभी आउट हो जाएगा और ये 10 आउट हो जाएगा। जब यहां पे 2 10 लिखे हैं तो 2 में से 10 जब होते हैं तो एक 10 बाहर आ जाता है, कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है सर। अब अंडर रूट के अंदर आपका क्या बचा, 132 बचा सर, और एक बचा 12 into 11। अब मुझे तो पता है कि 12 into 11 132 होता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता होता तो मैंने बताया जो सबसे बड़ा नंबर है इसको इन दोनों में से किसी से भी डिवाइड करवा दीजिए तो भी आंसर आ जाता। अब 132 ये भी है, 132 ये भी है, तो आपका 132 भी बाहर आया, और 10 यहाँ ऑलरेडी था ही, तो 10 into 132 इज 1320, और ये यूनिट आपकी चल रही है मीटर, तो ये बन गया आपका मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी चैलेंज नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को कि ये एरिया कैसे आया, गॉट इट। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी सेकेंड पार्ट। अब हम सेकंड एरिया पे जब चलेंगे तो अब हम निकालेंगे बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल इसी में बीडीसी का, ठीक है। सो बीडीसी का जब निकालेंगे, अगेन आपको यहाँ पे फिर से इन्हीं साइड्स को देखना है, साइड्स कौन कौन सी हैं। तो आपको दिखेगा एक साइड सर 26 दिख रही है, एक सर हमें 24 दिख रही है, और 22 मीटर भी एक साइड हमें यहाँ पे दिख रही है, गॉट इट। अगेन सर वही बोरिंग चीज करना है, हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, यानी एस, यानी इन सब साइड्स का सम। सो 26 हुआ, 24 हुआ और 22 हुआ, और डिवाइडेड बाय अगेन आपको यहाँ पे 2 करना है,
26, 24 होता है 50, 50 में 22 ऐड किया तो आपका 72, और 72 बाय 2 इज नथिंग बट योर 36 मीटर। ठीक है, तो ये बन गया आपका 36 मीटर सेमी पेरीमीटर। अब अगेन सर क्या कीजिए कि इसको फिर से इसी हिरॉन्स फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। तो S 36 आ गया, आपने उसको 36 लिखा इनटू, अब 36 में से लेट से आपने 22 को माइनस किया होता तो ये आपका आ जाता यहाँ पे 14 इनटू, 36 में ही 24 को माइनस किया होता तो सर आ जाता आपके पास 12, और 36 में से अगर 26 को माइनस किया होता सर तो आपके पास आ जाता कहीं ना कहीं यहाँ पे 10। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को कि ये कैसे आया यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब चलते हैं आगे। अब सर अगर आप ढंग से देखें तो ये जो 36 है ये तो 6 बन के पहले ही बाहर आ जाएगा। ठीक है यार, गलत बात तो नहीं है, 6 बन के बाहर आ गया है। अब अच्छा इन टू में अंदर देखते हैं अब और क्या क्या बचता है। 14 को सर अब अगर देखें तो ये तो 7 इंटू 2 होता है, और 42 को अगर मैं देखूं, सॉरी 12 को अगर मैं देखूं तो ये तो 2 इंटू 6 होता है बिल्कुल, तो ये 2 फर्दर और बाहर निकलेगा, और यहाँ पे बचा भी आपका यहाँ पे पूरा का पूरा 10। तो यहाँ तक बताओ जी कोई टेंशन किसी स्टूडेंट को तो। सो उस 2 के भी बाहर निकलने से अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये 2 भी बाहर निकला तो अब इसके मल्टीप्लीकेशन में एक 2 और आ गया, तो मैं उसको भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये हो गया फिलहाल 6 इंटू 2, और अब अंदर क्या बचा है 7 इंटू 6, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, और बचा है 10, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। ठीक है, अब आप देखो एक 2 और बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे 1 इंटू में 2 और आ जाएगा, और ये फर्दर और रिमूव यहाँ से हो गया। ठीक है, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद, इस चीज को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 यानी 24 अंडर रूट 105 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक चीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहां बताना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं इस पहली वाली चीज को रब कर रहा हूं, आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग सॉल्यूशन को कॉपी करके देख सकते हो। अब देखो मैं आपको स्क्वायर रूट का एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूं कि अगर आपको कभी भी आप ऐसे फंस जाए तो आप कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालोगे। देखो ये 105 जो यहां पे लिखा है वो डेफिनेटली सर 10 का स्क्वायर यानी 100 के स्क्वायर के बहुत क्लोज है। एग्री? बिल्कुल सर एग्री। तो आपका जो भी आंसर होगा वो 10 पॉइंट समथिंग होगा, ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि 100 से बड़ा है तो 10 पॉइंट समथिंग ही आंसर होगा। तो आप क्या करो, आप उस 10 को यहां पे ऐसे लिख दो कि ये तो सर 10 पॉइंट समथिंग होगा। अगले स्टेप में इस 10 का जो भी डबल है वो इसके नीचे लिख दीजिए। तो आपने इसको नीचे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 10 पॉइंट समथिंग आना था, 10 का स्क्वायर 20 होता है डबल सर उसका, तो हमने वो नीचे रख दिया। अब मुझे ये बताइए 100 और जैसे इसको अगर आप सॉल्व करते तो 100 आता, 100 और 5 में जो डिफरेंस होता है वो आता है सर 5 का, बिल्कुल 5 का ही डिफरेंस आता है बेटा, इसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं है। ठीक है, तो सर अब हमारा आंसर होगा क्या, अब आपका आंसर ये होगा कि बस आपको इसको डिवाइड करना है और इसके साथ ऐड कर देना है। तो अगर मैं 5 को 20 से डिवाइड करवाऊं तो अगर एक जीरो यहां लगना है तो पहले तो यहां पे पॉइंट इंट्रोड्यूस होगा, फिर आपको पता है ये 20 इंटू 2 यानी 40 हो जाएगा, फिर यहां पे 10 बचेगा, एक जीरो और लगाया तो फर्दर अगर इसको 100 करना है जीरो रिमाइंडर आ जाएगा तो यहां पे 5 होगा, तो कहीं ना कहीं 5 बाय 20 का आंसर आएगा 0.25, तो वही 0.25 मुझे यहां पे लिख देना है। सो ये आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 105 का। सो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया होगा तो आप लोग क्लास में फर्दर फिर क्लियर कर सकते हो। ठीक है,
सो नाउ एनी हाउ, अब जो ये एरिया मेरे पे आएगा, अगर आपके स्कूल में इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है तो आप इसको 24 × 10.25 फर्दर इसको कर सकते हो, कोई चैलेंज नहीं है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आप जब इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये 246 के आसपास आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, यहां तक भी कोई चैलेंज नहीं। अब बस यार क्या करना है, फाइनल एरिया आपको पता था, आपको माइनस करना है। तो ये तो 1320 था ही आपके पास, और इसमें से आप फर्दर किसको माइनस करवा रहे हैं, 246 को। तो जब 1320 में से आप 246 को माइनस करवाएंगे, यू विल गेट 1074 मीटर स्क्वायर एज योर आंसर। ठीक है, सो होपफुली ये शेडेड पोर्शन का एरिया हमने कैसे दिया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी डाउट होगा, क्लास में आप फर्दर क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।